हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मास्क पे फैब्रिक कलर से पेंटिंग बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमें दो ब्रश चाहिए, एक हमें फैब्रिक मार्कर चाहिए और एक हमें पेपर टेप चाहिए चिपकाने के लिए इस मास्क को, और एक कलर प्लेट चाहिए। और ये दो कलर हम फैब्रिक के ले रहे हैं, फैब्रिक कलर है ये। इन कलर्स में मिलाने के लिए हम मीडियम ले रहे हैं, आप पानी नहीं मिलाएं इसमें, पानी की जगह आप मीडियम ही मिलाएं इस कलर के अंदर। और ये ब्रश धोने के लिए पानी ले रहे हैं। अब हम पेपर टेप से इस मास्क को अच्छे से टाइटली चिपका देंगे, इसमें कोई सेल नहीं रहने चाहिए। अब इसके ऊपर आप अपना कोई भी पसंद का जैसे लोगो बनाना चाहते हो या आपको कोई भी डिजाइन बनानी है वो आप इस पे फैब्रिक पेन से बना ले, या फिर आपका नाम का पहला अक्षर वो भी लिख सकते हो। ये अपने मास्क की पहचान है, जैसे एक जैसे, मतलब एक जैसे अगर मास्क है तो पता नहीं चलता ना, कभी कभी हो सकता है अपन दूसरे का मास्क यूज कर लें, जबकि किसी का एक दूसरे का मास्क यूज करना ही नहीं है। इसलिए आप इस पे अपना कोई भी अपना लोगो बना ले। इस पे मैं इस पे दिल का शेप बना रही हूँ। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे और करीब 2 घंटे सूखने देंगे और 24 घंटे बाद उल्टी तरफ आयरन कर देंगे ताकि कलर पक्का हो जाए। और इस मास्क को 3 दिन बाद ही धोना है। अब हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे। इस पर हमने केट का डिजाइन बनाया है। और इस तरह से आप अपनी पसंद की अलग अलग अपने मास्क पर डिजाइन बना सकते हैं। अब हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप मास्क पे फैब्रिक कलर से अपनी पसंद की अलग अलग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। और अगर आपको मास्क बनाने का वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।